अस्सलाम वालेकुम, मैं हानिया बर्टो, मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक है और इस वक्त मैं इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम मेरा जो था, मैं रियल इस्टेट में जॉब कर रही थी। फ़िलहाल मुझे चंद ये ट्रांसफॉबिक लोगों की वजह से उधर से फायर कर दिया गया है और फ़िलहाल मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं। जी, नहीं, ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा से अच्छी गुजरी है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बड़ा तंग कर दिया गया मेरे लिए। मेरी जॉब का चले जाना मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था, और जो अभी इस वक्त मेरे साथ मामलात पेश आए हैं, जैसे कि मेरे बालों को काटा गया और मेरे साथ तशद्दुद किया गया इस ट्रांसफोबिक लोगों की वजह से, जो कि मेरी इवेंट को, मेरी बर्थडे इवेंट को, मेरी शादी तसव्वुर करके उन्होंने मेरे साथ किया, मौलवी हजरात ने हमारे, और ये प्रोपेगेंडा जो हमारी ट्रांस के खिलाफ फैलाया जा रहा है उस पर मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। और लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहिम्मत हूँ, मुझे मेरे घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है, मेरी ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से मुझे सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। अच्छा, दिखने में बिल्कुल भी ख्वाजासरा नहीं लगती है, लड़की लगती है, आवाज़ भी आपकी ख्वाजासरा जैसी है। क्या कोई शादी की कोई प्रपोज वगैरह भी करता है इस किस्म के वाकयात में? तो नहीं, लोग समझते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली लोगों को पता चल जाता है कि यार, मतलब लोग समझ जाते हैं कि नहीं ट्रांस ही है, लेकिन हाँ, लेकिन हूँ, लगती तो मैं लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं पाता। और मैं समझती हूँ एक अकलमंद इंसान ज़रूर समझ जाता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा से रहा हूँ। अच्छा, लॉ के वाले से बताइए कि जो लॉ के बड़ा शोरगुल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ख्वाजा साहब शादी भी करना चाहते हैं और देखिए, हम जिंस परस्ती को जो रंग देने की कोशिश की जा रही है ना, आप हम जिंस परस्ती कहते हैं सेम जेंडर को। हमने कोई एक जेंडर नहीं मांगा, हमारे साथ मेल या फीमेल आईडी कार्ड पे नहीं लग रहा, एक्स लग रहा है, ठीक है? तो उसमें कैसे कोई पाकिस्तानी कानून हमें इजाज़त दे सकता है किसी एक्स जेंडर को कि वो शादी कर ले? एक मेल की और फीमेल की शादी ना सिर्फ कानूनी तौर पे बल्कि शरई तौर पे भी जायज़ है, लेकिन इस तरह से ये जो एक्स के साथ मामलात हैं, हमें कोई शादी का कानून नहीं चाहिए, हमें बेसिकली हमारे ह्यूमन राइट्स चाहिए जो हमसे छीन लिए गए हैं। कोई भी कभी भी आकर कुछ भी कर जाता है, सिर्फ भीख मांगते हुए आपको ट्रांस मेरी कम्युनिटी नज़र आती है नॉर्मली, पैसा वाला जो तबका है, और मैं उसके लिए आज खड़ी हूँ। हालांकि इतना कुछ मेरे साथ हुआ जितने मैं ट्रॉमा से गुजरी, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए आज खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको जॉब्स दी जाएँ, मैं जैसे खुद एक जॉब होल्डर थी, मुझे जॉब दी गई, लेकिन बदकिस्मती से वो जॉब छीन ली दी गई चंद एक ट्रांसफोबिक लोगों की वजह से। जो ट्रांसफोबिया पाकिस्तान में फैला हुआ है, मैं उसको कम करने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए हमारी ट्रांस कम्युनिटी का ही आई हूँ। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है कि आप हकूक की जंग लड़ रही हैं, लेकिन सोसाइटी में भी मुश्किल होती है, घर में भी मुश्किल होती है, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जिसमें पार्टनर की जरूरत होती है, क्या इस चीज़ की कोई कमी वगैरह महसूस होती है या कोई ख्वाहिश हो? जाहिर सी बात है, ये ख्वाहिश किसके दिल में नहीं होती, इंसान हैं हम भी, लेकिन हमारी खुशियाँ यही होती हैं कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी के साथ हमारा रहना, हमारे गुरु, हमारी बाकी ट्रांस सिस्टर्स जो हैं उनके साथ हमारी लगन, हम लोग अपना दिल लगा लेते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, अल्लाह ताला के साथ दिल लगा हुआ होता है, नमाज से काम लिया जाता है, और नाचने गाने की तरफ से भी जो है हमारी कम्युनिटी काम लेती है, लेकिन मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाइज़्ज़त शहरी की तरह, एक जॉब होल्डर की तरह, एक बाइज़्ज़त कमाई के साथ, हलाल कमाई के साथ गुजारा किया जाए, मैं उसके कायल हूँ। जी, फैमिली के साथ रहती हैं या? मैं फैमिली के साथ भी रहती हूँ, लेकिन मैं अपने मोस्टली ज़्यादा टाइम जो है अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आज इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, आप बता रहे कि फैमिली के साथ रहती हैं, लेकिन हम बहुत सी चीज़ें ऐसे भी सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पर कोई ख्वाजा सरा पैदा होता है, गुरु पहुँच जाता है, गुरु को पता लग जाता है, क्या ये कहानियाँ सच्ची हैं? क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि देखिए, नहीं, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, लेकिन ये पुराने दौर थे, अब ऐसा नहीं होता। लोग बड़े बादशाह हैं, मेरे घर वालों की तरह बहुत लोग बादशाह हैं, वो हो चुके हैं, और जिस तरह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये तो कोई भी इसके साथ पैदा हो सकता है, और मैं इसे डिसऑर्डर नहीं समझती। मैं समझती हूँ ये आम इंसानों की तरह ही इंसान हैं, ये भी मोहब्बत के ही उतने ही हकदार हैं जितने एक आम बच्चा बच्ची होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, और अब आने वाला जो दौर है उसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ट्रांस कम्युनिटी मोस्टली अपने घरों से ही निकलेगी। ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश जो आप समझते हैं को मिल जाए, पूरी हो जाए, कोई कभी नहीं रहे? मैं अपने जो है इन ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं, मुझे लिखा जाए तारीख, एक दफ़ा मुझे याद ज़रूर करे कि हाँ, हमारे लिए कुछ किया गया था। नाम मेरा नाम हानिया भट्ट है। थैंक यू, वेलकम।